यार यहाँ पे तो बहुत ही तगड़ा पोपट हो चुका है हमारे साथ गाइस, बहुत तगड़ा स्कैम बोलो सीन है। पहले गाइस फाइनली व्यू देखो यार आप। चर्चा भी इनकी ऐसी होती है कि मैगी में बटर खा सकते नहीं खा सकते। मसूरी अगर हम बोले तो ऑन एन एवरेज गुड था, उतना बेस्ट नहीं था हमारे लिए। गाइज अभी तक फूड नहीं आया तो मैंने आर्ट बनाया है। इस आर्ट को आप रेट करना, जरा कमेंट में बताना 5 में से कितने नंबर मिलेंगे इस सुपर स्टिक आर्ट को। और अभी तक वेट कर रहे हैं हम। गेस भाई ने अपनी प्लेटें सजा लिए चम्मच साफ करते हुए। ये हमारा आ चुका है दाल तड़का, लेमन फ्राइड राइस और सब्जी आ रही है एक और। तो हम शुरू करते हैं और आपको रिव्यू देगा खाने के बाद कैसा था। सो गाइस अब हम दूध ले रहे हैं जो मैं ही पीऊँगा, ये नहीं पी रहा, केसर वाला दूध। और रबड़ी रसमलाई रबड़ी ले रहा है और साथ में जलेबी भी हो रही है। जलेबी गरम गरम निकल रहे हैं भाई, पूरे भी है। शेर पूरा तैयार है आज। महंगी आइटम खाएंगे, खाने से भी ज़्यादा हाफ प्राइस में जो चीज़ हमने डेजर्ट में खरीदी है। क्या खरीदी है भाई, तुम्हें तो बताओ भाई। हमने लिया जलेबी, रबड़ी और अपना शेर पिएगा दूध केसर वाला दूध भाई यार इतना महंगा रेट, और उसके बाद केसर वाला दूध जब गर्म हो रहा था वो मतलब केसर के कलर में वाइट कलर पीले कलर में अच्छा खासा था, उसको भाई साहब पाउडर मिक्स करके पूरा वाइट बना दिया। मतलब ऐसा तो हमने कभी नहीं पिया था। क्या करें, पैसे लग चुके हैं और ये लेना पड़ा। भाई साहब को तो ठंडी लग रही थी, पता नहीं अगर कोई कोई इसके कंबल बन सकता है तो भाई जरूर बहुत मदद हो जाएगी अगली ट्रिप पे इसके लिए कोई कंबल बन सके तो। तो भाई चलो अब खाते हैं यार, खोलो यार यश भाई जल्दी जल्दी अब। सो गाइस ये हमारा आइटम, अब हम इसको इंजॉय करेंगे और अब उसके बाद हम सो जाएंगे क्योंकि हम थक चुके हैं बहुत। देखते हैं कैसा है, ठंडा हो गया है, ये हमने रबड़ी में घुसाया। अच्छा भाई अयश भाई कैसा है? तो गाइस अब हम सुबह मिलते हैं, अभी हमें रेस्ट दे दो। गुड नाइट, लव यू ऑल। सब हमें कमेंट में लव यू लिख दो। The next day. So guys, अब हम उठ चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 4:20 का भाई, देख लो ठीक है। जो कि मैं और सुमित तो उठे पड़े 3 बजे से ही, नींद ही नहीं आ रही हमें। और अब सोच रहे फ्रेश हो जाए हम जल्दी से, ताकि हमारा फिर प्रो ड्राइवर उठेगा अपने आराम से, फिर वो फ्रेश होगा। ठंड भाई, पानी तो मतलब पूछो मत, वो वाला सीन आ जाएगा अभी हमारा। Guys, मैं रेडी हो चुका हूँ, सुमित भी रेडी हो रहा है और हमारा बब्बर शेर, दो शेर रेडी हो चुके हैं और बब्बर शेर अभी तक उठाई है अभी। बब्बर शेर पता नहीं लेट क्यों करवा रहा है। सो जल्दी से हम यहाँ से निकले और फिर आगे बढ़े, जहाँ जाना है। कहाँ जाना है? जॉर्जिया एवरेस्ट। अरे यार सब कुछ बंद ही है, रूम सर्विस पे भी कॉल नहीं लग रहा। अरे ऐसे मत दिखा दियो। नहीं दिखाया भाई, गाइस वो नहीं देखा ना तुमने। हाँ ठीक है। A few moments later. यार यहाँ पे तो बहुत ही तगड़ा पोपट हो चुका है हमारे साथ, आप देख रहे हो ये गाड़ी लगी हुई है सारी। जबकि हमने कल सुबह बताया था कि हमारे लिए चेकआउट कर जाएंगे, हमें सनराइज पॉइंट देखने जाना है, उसके बाद भी आलम है और कहते हैं 7 बजे के बाद ही हटेंगी गाड़ी, जो 7 बजे तो सनराइज ही हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कैसे करें अब क्या इनकी स्कूटी लें भाई, इतना अपनी गाड़ी से है, उसके बाद भी स्कूटी लेनी पड़ेगी हमें। गाइस फाइनली खुद से मेहनत करनी पड़ी। यश 3 गाड़ी थी, यश ने तीनों गाड़ी पहले निकाली, अब दोबारा अंदर कर रहा है और फिर हमारी गाड़ी निकली है। यार बहुत लेट हो गए हैं, पता है 6:20 हो चुका है और देखोगे ना उधर दिखेगा थोड़ा सा भी सन निकलना शुरू हो चुका है। जो एग्जैक्ट टाइम है वो 6:58 है, मुझे हमने नहीं लगता हम पीक पे जा पाएंगे, मतलब उतने पर आ जाएंगे जितनी जल्दी ट्राई करेंगे अब, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते तो सनराइज़ हो चुका होगा। सो गाइस एक गाड़ी मैंने भी अंदर कर दी और भैया जिसकी भी गाड़ी उसको बता दो इसके अंदर फ़ोन पड़ा है उसका। अच्छा ठीक, ऐसे फ़ोन कौन छोड़ के जाता है पता नहीं गाड़ी में। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि बाद में भाई फ़ोन अगर ये कुछ कर देते गायब
बाद में बोल देते कि इन बंदों ने गाड़ी निकाली थी, हमारा फ़ोन ले लिया, इसलिए मैंने एज अ प्रूफ बनाया ये वीडियो। उगता हुआ सूरज यार दिख रहा होगा ना, मेरे को बस बड़ा वो लग रहा है कि हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। पीक पे रहता ना, पीक पे इसको देखने का अलग ही मज़ा आता, लेकिन देख लेंगे। अच्छा लेट्स सी। गाइस ये बोल रहा था कि मेरी गाड़ी हो जाएगी, नाना ठिकाना हो जाएगी। ये कमीना सनराइज नहीं देखना चाहता, और इसको जब देखने चाहता राइट, इसको हुड़क लगे सनराइज देखने की। तो कहता है कि मेरे क्लच प्लेट ये, मैंने बोला भाई इतना खर्चा हो रहा है तो क्लच प्लेट भी ले लियो रिपेयर का चार्ज हमसे, और क्या बोल सकते हैं। आना सुमित भाई सही बोल रहा हूँ ना, और दिखाओ यार हमारे व्यूअर्स को, दिखाओ ये व्यू, दिखाओ जो ये मिस करवाना चाहता है ये। गाइज बहुत तगड़ा स्कैम बोलो सीन है, पहले हमने जहाँ से पता करा था जॉर्ज एवरेस्ट का कोई सीन नहीं था पेमेंट का, ठीक है कार पार्क करोगे आप सिर्फ, अभी यहाँ पे आगे बदलता है कि 200 रुपये पर पर्सन आपको देने हैं ऊपर चढ़ने के, मतलब चढ़ाई हम करेंगे पैसे तुम्हें दे, ये कोई सेंस है। तो भाई हम जा रहे हैं वापस यहाँ से, फालतू के पैसे हम नहीं उड़ाते, घूमने का है सभी हो किसी चीज़ के सही पैसे हो हम तो देते हैं, हम फालतू के कैफे भी नहीं जाते कहाँ पे व्यू पाने के लिए कि पैसे फालतू के उड़ाओ। जा रहे क्लाउड्स एंड है, वहाँ पे भी ऐसा ही व्यू आता है, वो उधर चेक करते हैं क्या सीन है। सुमित भाई आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल ठीक बात है भाई, कोई फायदा कौन है। यस भाई तो इस चीज़ों पे तो कभी एग्री ना करें हमारे। किस चीज़ पे? यही फालतू के पैसे उड़ाए भाई, एग्री हूँ मैं तुम्हारे साथ, वर्थ नहीं है वहाँ ऊपर जाने के। हाँ वो बोलना, हमें हमें बसा रहा है फालतू में। मतलब पैसे देना फ्री में जाए तो चल के घूम के आ जाओ। पहाड़ हम चलेंगे, मेहनत हम करेंगे भाई, और पैसे भी दो कमाएंगे। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं क्लाउड एंड म्यूजियम, और ये हमारे यश भाई की पटकी ना, लगा सामने से शेर आ गया, शेर बब्बर शेर डर गया, पर सामने गाड़ी थी तो ये हम व्यू देखने पहुंच चुके हैं फाइनली सनराइज का। गाइस फाइनली व्यू देखो यार, आप इधर आओ व्यू देखो, ये है फ्री वाला व्यू, पेड वाला हम करते नहीं है भाई साहब। और इधर है भाई, इधर है सनराइज पूरा, और इधर देखो भाई साहब क्या व्यू है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पिक्चर, जो कि आप मसूरी आ रहे हो पिक्चर के अलावा मुझे लगता नहीं है, हम आपको इससे डिटेल रिव्यू देंगे हम तीनों मिलके, ठीक है। बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, ऐसे तो बढ़िया लग रही, फोटो भी मज़ा आएगा फोटो क्लिक करवा लो। यस भाई अब थोड़ा सही लग रहा है, फीलिंग बेटर है, शेर देख लिया था आपने अभी। आएंगे बहती हवा सा था वो। देखना बात तो ये हमारे रणधीर भाई ब्लॉग बनवाते हुए भाई, क्या कर रहा है फोन तो सीधा रखना सीख। ये हमारे यश भाई कैमरा मैन, तू सामने फोन सीधा रखना। और ये आज का व्यू, फाइनली कुछ तो मजा आई गया ऊपर पहुंचकर। इस व्यू के लिए बहुत मेहनत की हम लोगों ने, सूरज जाने लेने पूरा आएगा व्यू, वाइड एंगल नहीं वाइड एंगल लेना नॉर्मली। प्राइवेट कर दिया
और उसके बाद अब उसके चार्जेस होना था, फालतू के चार्जेस नहीं देने चाहिए। और जैसे कि मैंने वहाँ से बात भी करी ना, अब जॉर्ज एवरेस्ट पहले लोग जाते भी थे, जब से पेड़ बना दिया कोई नहीं जाता वहाँ पे। और हमने भी यहाँ पे कार पार्क की, वहाँ पे एक बंदा नहीं था गाड़ी की, तो मतलब कोई आ ही नहीं रहा वहाँ पे। और ठीक है, और अब अपना हालत पंचर हो रही है, अब हमें चाहिए कड़क कड़क टी। सो अब देखते हैं क्या करते हैं, हम वापस जाएंगे अब घर की साइड या कुछ और भी हमें एक्सप्लोर करना है वो आगे डिसाइड करते हैं हम लोग। पहले कड़क टी चाहिए अपन लोगों को, वो भी बिल्कुल नीचे जाके मिलेगा। सो भाई, सब कहते हैं कि पहाड़ों में आओ तो मैगी खाओ, तो अब कल तक तो नहीं खाया हमने, आज जाके अब खा रहे मैगी। देखते हैं भैया क्या है मैगी का स्वाद। बटर है मैगी में, बटर और क्या, खाई नहीं कभी। देख लो इनकी चर्चा, साले चर्चा भी इनकी ऐसी होती है कि मैगी में बटर खा सकते हैं नहीं खा सकते। थोड़ी अच्छी चर्चा करा करो, पैसे कैसे कमाने हैं आगे कैसे। भाई मैगी बटर चुकी हुई मैगी तो खाते हैं, घी वाली तो मैगी बनती है। ये है हमारा हमारा फ्रेंड सर्कल। A few minutes later. तो गाइस अब मैगी खा लिया, अब चल रहे हैं। अभी हमें अभी तक हमने फिक्स नहीं करा अब हमें जाना कहाँ है यार, आगे देखते हैं। मैप भी नहीं चल रहा ना प्रॉपर, आने का प्लान था ना जाने ना, हमारा आने का प्लान होता है कुछ ना जाने का, बस चल देते हैं। ठीक है यश भाई, यश भाई, यश भाई गाड़ी चलाने दे यार, यार गाड़ी चलाने दे यार। हाँ उधर से बैठो, हैंडल दे रहा हूँ। नहीं यार यार यश भाई ऐसा ना, अच्छा ड्राइवर हूँ भाई, दूसरा हैंडल दिखाता हूँ तेरे को यार। ये रेडी नहीं होता गाड़ी देने को अपनी, मेरे को बस बहाने मारता रहता है। चार सिलेंडर की गाड़ी है, दो सिलेंडर की गाड़ी है, तुमसे नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हम करते हैं। चलो यश भाई। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. सो गाइस सीन ये बना कि हम कहीं और नहीं गए, हम सीधा घर जा रहे हैं। अभी हो चुके हैं टाइम अराउंड 1 o'clock, हम आ चुके हैं मुजफ्फरनगर, पार हो चुके हैं, लंच कर रहे हैं। थोड़ा क्या हुआ कि ये इसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं लगा कि थी, उसको गाड़ी भी चलानी था, तो हमने कहीं और जाने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया। सो एज हमने बताया था आपको कि हम डिटेल रिव्यू करेंगे इसकी, मसूरी की। मसूरी अगर हम बोलें तो ऑन एन एवरेज गुड था, उतना बेस्ट नहीं था हमारे लिए। रोड ट्रिप हमारी हो गई और कुछ अच्छी पिक्चर्स क्लिक हो गई, ये चीज़ और कुछ ज़्यादा खास था नहीं। कपल्स के लिए बेस्ट फ्रेंडली है, और वैसे आप आ सकते हो, वन टाइम विजिट होता है मसूरी। फिर यही करते हैं, अपना लंच करते हैं, घर पहुँचते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रिप का इंतज़ार करते हैं। सो हमने मंगवाया था प्लेट, आ गया प्लेट। यार यश, लास्ट टाइम हमने खाया था जो गरम गरम आया था यार, पूरा धुआं, सीजलर वाला नहीं था जिनके पास। चलो भाई इसको खाते हैं, और भी चीज़ें आ रही है, फिर खा के निकलते हैं हम जल्दी से, और फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं अपनी। सो हमारा मेन कोर्स भी आ गया है। क्या क्या मंगवाया था हमने? दाल बुखारा और दम आलू था, बनारसी दम आलू और रोटी। सो हम इसे टेस्ट करते हैं और इस वीडियो को हम आपको एंड करते हैं। अब घर तक जाने का वेट नहीं, क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, और हम चुके हैं। अब हम पोस्टिंग करेंगे सिर्फ, हम इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्टिंग करेंगे, बहुत फोटो खींच ली, बहुत वीडियो बना लिया। सो बाय गाइस, बाय गाइस, लव यू ऑल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और मसूरी बस एक बार आओ, अकेले अगर दोस्तों के साथ रहो, कपल के साथ तो कभी भी आओ भाई, अलग ही माहौल है।